स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा स्वतंत्रता की ओर। यहाँ पे हमने देखा कि इस चैप्टर में जो गांधी जी का आश्रम है साबरमती, वहाँ पे बहुत से लोग रहते थे और आश्रम में सभी को अपना अपना काम करना होता था। गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी का मेन लक्ष्य यह था कि भारत को आज़ादी दिलाए। उसके लिए वो बहुत से आंदोलन करते थे। तो ऐसे ही किसी आंदोलन पे गांधी जी जाने वाले थे। धनी नाम का जो बच्चा है वह अपनी अम्मा से पूछ रहा है कि अम्मा, ये लोग किस चीज़ की योजना बना रहे हैं कमरे में? क्या ये कहीं जाने वाले हैं? तो अम्मा बोली, हाँ, किसी यात्रा पे। तो बोले, कैसी यात्रा? तो अम्मा ने बताया, लेकिन अम्मा खाना बना रही थी, वह परेशान हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम पहले जाओ, अब सवाल पूछना बंद करो, पहले मुझे खाना बनाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा नाम का एक आदमी जो खेतों में काम करता था वहाँ चला गया। बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? वो बिंदा से पूछ रहा है कि बिंदा चाचा, क्या आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? अब धनी के दिमाग में बहुत से सवाल थे। वह अपनी दोस्त बिन्नी से भी पूछ रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, ये लोग मुझे बता नहीं रहे हैं, तो चल तो कुछ रहा है। अब उसे जानना था, धनी को जानना था कि हो क्या रहा है। तो धनी उससे सवाल पे सवाल जल्दी जल्दी पूछ रहा था। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले तुम अपनी बकरी को बांधो। क्योंकि उसको बार बार ये लग रहा था कि ये बकरी मेरी सारी क्यारियाँ ख़राब कर देगी, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात से पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठ गया ऐसे अचानक कि नमक क्यों बनाएंगे। उसको लगा कि नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से ख़रीदा जा सकता है। धनी को लगा कि नमक तो बहुत है, किसी भी दुकान से ख़रीदा जा सकता है और नमक की इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा। उसे लगा कि बच्चा है तो इसे पता नहीं है, पर महात्मा जी की एक योजना है। महात्मा जी यहाँ पे किसे कहा गया है? गांधी जी को। महात्मा जी की एक योजना है, योजना यानी प्लानिंग है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। बिंदा उसे बता रहा है कि तुम्हें यह तो पता ही है, किसी की विरोध में यात्रा करते हैं वे। तो वो बोल रहा है, कौन? धनी बोल रहा है कि हाँ, मैं जानता हूँ, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ भारत पे जब पूरी तरह से राज किया था और भारत को अपना गुलाम बना लिया था, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, हर चीज़ पे कर लगाने लग गए थे। जब नमक पे भी उन्होंने कर लगा दिया तो गांधी जी को इसका विरोध करना पड़ा। तो वो बोल रहा था कि मुझे सब पता है कि गांधी जी जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह का जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, बिंदा बोलता है, बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ रहा है? अब धनी को ये बात नहीं पता है कि नमक पे भी कर लग रहा है, बहुत सी चीज़ों पे कर लगता है, लेकिन नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको गरीब अमीर सभी लोगों को खाना पड़ता है, और अगर नमक पे कर लगा दिया गया तो सभी को कर देना पड़ेगा, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों ना हो। तो इसी के विरोध में गांधी जी क्या कर रहे थे? दांडी मार्च कर रहे थे, दांडी यात्रा उन्होंने स्टार्ट करी थी। अच्छा, धनी हैरान रह गया, धनी जो है वो बिल्कुल हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत
सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है, बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है, यह हमारे ऊपर जुल्म है, अन्याय है। लेकिन यह तो सरासर क्या है, अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था, धनी को बहुत गुस्सा आया ब्रिटिश सरकार पे कि ऐसा क्यों कर रही है ब्रिटिश सरकार, इतना अन्याय गरीब लोगों पर क्यों कर रही है। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मना ही है, मतलब भारतीय लोगों को नमक बनाने के लिए मना कर दिया गया है कि आप अपना नमक नहीं बना सकते हैं, और नमक जो है वो ब्रिटिश सरकार ही बनाएगी और वह कर लेगी। देखिए अब कितनी भयंकर गुलामी का समय था। वह महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। उन्होंने विनती करी ब्रिटिश सरकार से कि आप नमक से कर हटा दीजिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, वह उनकी जो बात थी उसे ठुकरा दिया। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से क्या बनाएंगे, नमक बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने पढ़ा, आपने पहले भी पढ़ा है, सुना है कि हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था। हमारे ही देश की वस्तुएँ हम ही को इस तरह बहुत महंगे दामों में बेची जाती थी, उन्हीं पे कर लगा दिया जाता था और वही पैसा विदेशों में चला जाता था। जबकि पहले भारत में बहुत पैसा था, बहुत धन था, बहुत ज़्यादा खनिज संपदा थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सभी खनिज पदार्थों को निकाल निकाल के, उनका खनन करके, उनसे सामान बना बना के उन्होंने हमें ही बेचा, हमारा ही सामान, और कुछ कच्चा माल वह विदेशों से लाके और यहाँ पे उसको फैक्ट्रियों में पक्का बना के और वो बेचते थे। इस तरह धीरे धीरे भारत का पैसा विदेशों में जाने लगा, और हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, वे सब इस चीज़ का विरोध करते थे। विरोध करने की उनकी नीतियाँ अलग अलग होती थी। गांधी जी का विरोध करने की नीति जो है वो सत्याग्रह और अहिंसा थी। हम आगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िएगा और समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।